Assalamualaikum, Standard 3, Subject EVS, Topic Animal World. Now myself, Sayyed Gajala teacher, your EVS subject teacher. Now, from today, I am started your bridge course, and in our bridge course, the topic is Animal World. Now, I am explaining you about the animals. You are knowing so many animals. There are animals. In animals, birds, then cow, buffalo, cat, dog. So we can classify animals using different criteria. Now you saw there here as the animals who have a vertebrate is called vertebrates animals. Now the animals, the way of animals, which how can they born? देखा आपने कुछ animals होते हैं वो animals born होते हैं from egg से और कुछ animals brown होते हैं from their mother's womb. Directly animals womb होते हैं आपने देखा होगा कुछ animals यहाँ पर देखा होगा एक से hen आपने देखा होगा chick जो निकलता है एक से निकलता है और कुछ animals directly birth there from young ones. So these animals are called oviparous, the animal which are born from eggs, then the viviparous, the animal which are born from their mother's wombs. Now viviparous animals are born from their mother's womb, so they depend on their mother. When they are babies, we are also viviparous. Okay, we are also viviparous. They drink their mother's milk. एग्जाम्पल आप देखोगे कि कैट, डॉग्स, लायंस, दे ड्रिंक देयर मदर मिल्क. नाउ द ओविपोरस एनिमल, द ओविपोरस एनिमल कौन से होते हैं? जो एग्स में से निकलते हैं. डायरेक्टली बर्थ नहीं होता है, पहले एग्स होते हैं. एग्स के ऊपर से वो हेन, उनके ऊपर कुछ ड्यूरेशन पीरियड होता है, उसके बाद द चाइल्ड बेबी कम फ्रॉम देयर. सो द फीमेल एनिमल ले एग्स. Which one is there? Females, male and females. So female animals lay the eggs, and some oviparous animals like birds keep their eggs warm. कुछ animals उसको warms करके रख देते, आपने देखा होगा यहाँ पर. Others like sardine and flies don't keep their eggs warm. वो eggs को कुछ time के तक के रखते हैं, warm करते हैं, और उसके बाद they born their young ones. Some oviparous animal are independent when they are born. जब ओविपोरस एनिमल पैदा होते हैं तब वो उनके मदर के ऊपर डिपेंडेड नहीं होते. जैसे कि एग्जांपल आपने देखा है स्नेक्स. स्नेक जब उनका एग्स लूज करते हैं तो द बेबी स्नेक्स मूव्स अराउंड एंड फाइंड फूड. बेबी पैदा होते ही बेबी जो स्नेक्स होता है वो यहाँ वहाँ घूमता है और अपना खुद का खाना, खुद का फूड खुद ही सर्च कर लेता है. इसीलिए कहा है कि जो ओविपोरस एनिमल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं उनके मदर के अंदर. और अदर ओविपोरस एनिमल कांट टुक देयर आफ्टर देम सेल्फ. जो ओविपोरस एनिमल्स होते हैं कुछ, जैसे कि बर्ड्स आपने लिया, स्पैरो लिया, स्पैरो का एग्स आपने देखा होगा, उसमें से कुछ टाइम के बाद जब स्पैरो बाहर आती है तो वो खुद का खाना खुद नहीं खाती. फॉर एग्जाम्पल बेबी स्पैरोस, दे स्टे विद देयर पेरेंट्स, द एडल्ट बर्ड्स फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम. आपने देखा होगा उसकी जो मदर होती है वो उसको फीड करती है, उसकी जो बीक होती है उसमें दाना डालती है और वो खाते, वो खुद का खुद खाना नहीं खाते हैं. अब ये हमने देखा है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बेटा देखोगे द फूड ऑफ द एनिमल्स दैट ईट. क्या हम देखेंगे फूड क्या क्या खाते हैं एनिमल्स वो हम देखेंगे. दे ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल्स सच एज लीव्स, रूट्स एंड फ्रूट. कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि उनके लीव्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं, फ्रूट खाते हैं. ऐसे एनिमल है जो लीव्स, फ्रूट्स और ऐसे सब प्लांट्स खाते हैं, इनको हर्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं. जैसे कि डियर, काउस, रैबिट, ये सब क्या खाते हैं? हर्बीवोरस एनिमल.
नेक्स्ट, और दूसरा कौन सा टॉप है, कार्नियोरस एनिमल। कार्नियोरस एनिमल मतलब क्या है, दे हंट एंड ईट देयर एनिमल्स। इनको शार्प टीथ होते हैं, दे हैव एक्सीलेंट आई साइट होती है उनके पर, और उससे वो क्या करते हैं, अपना जो प्रे रहता है उसको हंट करते हैं और खाते हैं, मतलब मांस खाते हैं, उसे कार्नियोरस एनिमल बोलते हैं। देन फॉक्सेस हम एग्जाम्पल लेंगे, हम फॉक्स से ईट माइस रैबिट्स एंड अदर एनिमल। सो एग्जाम्पल फॉक्सेस आर द कार्नियोरस एनिमल। देन ओमनियोरस एनिमल, अभी हमने देखा हार्बियोरस और कार्नियोरस, अब हम बच्चों देखेंगे ओमनियोरस। ओमनियोरस मतलब क्या होते, दे ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, ओमनियोरस। तो हम कौन से कैटेगरी में आते हैं बच्चों, हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, प्लांट्स वेजिटेबल्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, तो हम किस में आएंगे, ओमनियोरस में, जो दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट भी खाते एंड अदर एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ये देखेंगे बियर्स, मंकीज, पिग्स, ये सब क्या हो गए, ओमनियोरस एनिमल्स। बियर ईट फिश फ्रूट्स एंड हनी, तो क्या हो गए ये, ओमनियोरस एनिमल्स। अब हम देखेंगे कि एनिमल कैसे चलते हैं, एनिमल कुछ वॉक करते हैं। देखो ये जैसे कि आपने देखा है कैट, ये एनिमल्स है, ये भी फिश एनिमल है, वो स्विम करती है, कुछ एनिमल फ्लाई होते हैं, कुछ एनिमल क्रॉल करते हैं, ये तरह से हम चलते हैं। देखो ये फिश है, उसका ये फिन, बॉडी, टेल, स्केल्स, हेड, आई, माउथ, ये स्केल्स होती है फिश के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर, जिसकी वजह से वो क्या करती है, स्विम कर सकते हैं। इनके जो फीचर्स है इसकी वजह से ये लोग स्विम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा एनिमल्स के बारे में, एनिमल वर्ड के बारे में, एनिमल्स के टाइप देखे हमने, फर्स्ट देखा हार्बियोरस, कार्नियोरस एंड ओमनियोरस एनिमल्स, उसके पहला टॉपिक देखा हमने ओविपोरस और विविपोरस एनिमल। टू पार्ट हमने एनिमल वर्ड के देखे, पहला है ओविपोरस और विविपोरस, और सेकेंड है कार्नियोरस, हार्बियोरस और ओमनियोरस एनिमल। ये हमने एनिमल्स के क्लासिफिकेशन देखे। ये हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है बेटा अबाउट द एनिमल्स। यू हैव टू लिसन केयरफुली, वॉच इट एंड अंडरस्टूड। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह।